यार अभी मेरे सर पे देख लो क्या, उफ इतना ठंड लग रहा है कि आपकी सोच है यार कसम से। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं मौजूद हूँ अपने रूम में। जैसे ही आप लोगों को पता चल चुका होगा थंबनेल और टाइटल से कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा बॉम्ब होने वाला है डूड, क्योंकि आज जो है अभी आगे जाके आपको दिखाते हैं यार। सबसे पहले मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, जिस तरह आप लोग देख सकते हो, एक ये स्वेट शर्ट पहना है, एक नीचे ब्लैक कलर का दो पहना है, सही है। अभी जूते वगैरह मैंने पहने हैं, वो नहीं पहना हुआ हूँ। बाकी यहाँ पे है मेरा बॉम जैकेट, इसको भी पहनते हैं। बाकी ये रहे मेरे बॉम शूज़, तो अभी मैं ज़रा शूज़ पहन लूँ, उसके बाद बाहर चल के आप लोगों को दिखाते हैं सारा सीन, सही है। तो एक सेकंड में ज़रा शूज़ पहन लूँ। आई नो कि बहुत गंदे हुए हैं यार, क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी इनको पहनकर बाहर गया हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत गंदे हो गए ये। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको पहनने के लिए। अभी ज़रा लेस बांधू इनके, सॉक्स मैंने पहले ही पहन चुका था, तो अब ये शूज़ भी मैं पहनूँ। इस तरह आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का बॉम शूज़ है मेरे, तो वही। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने जूते पहन लिया है, बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरह के बॉम शूज़ है मेरे, बहुत गंदे हो गए यार कसम से, लेकिन अभी बाहर जाएंगे ना तो ये भी साफ़ हो जाएंगे। बाकी जैकेट वगैरह भी मैंने पहन लिया है, अभी फुल रेडी टू गो हूँ यार। तो अभी चलते हैं यार, सो लेट्स गो, बाहर चलते हैं यार, सही है। तो अभी देख लो। ओके गाइस, तो मैं बाहर निकल चुका हूँ रूम से, जिस तरह आप लोग मेरे सामने व्यू चेक करो ब्रो। गाइस, तो फाइनली जिस तरह आप लोगों ने देखा कि अभी भी स्नोफॉल हो रहा है यार, काफ़ी हो गया है तकरीबन। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये रहा तकरीबन वन इंच के करीब स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, और आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे खड़ा होकर मैं पहले इंट्रो बनाया करता था लाइक एक ब्लॉक पहले ही, तो अभी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, पूरा का पूरा स्नो फुल है यहाँ पे। और ये रहे मेरे बॉम शूज़, अभी बाहर भी चेक कर लो, मुझे बहुत पसंद है ब्रो, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार दिखाऊंगा ये चीज़ें। तो अभी बाहर भी जाएंगे, अटेंशन नहीं लेना, अभी बाहर भी जाएंगे। सबसे पहले ये करते हैं, सबर करो, जिस तरह आप लोग देख सकते हो। अभी जिस तरह यहाँ गेट खोलो ना, तो आपको ऐसे फटैक से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा घर से बाहर।
यहाँ पे अगर स्नोफॉल हो जाए तो सारा लुक ही चेंज हो जाता है यहाँ पे, जिस तरह आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो। ओए होए होए, चेकआउट कर लो यार, कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है डूड। अभी इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास जो दोस्त है जो मेरे लिए पिक्चर वगैरह निकालता है वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, उसका थोड़ा सा बहुत काम है, मैंने उसको मैसेज भी कर लिया था लेकिन वो अपने घर में किसी कामों में मसरूफ़ है, तो अभी हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह के लिए नहीं जा सकते। मे बी नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे, लेकिन आज जो घर के नज़दीक जितना भी एरिया है वो कवर कर लेंगे क्योंकि यार आज कंटेंट ही कंटेंट है, जिस तरह आप लोग देख सकते हो ये बर्फ़ चेकआउट कर लो। ओए होए होए, और क्या चाहिए भाई, चेकआउट कर लो ब्रो। आज अलोन अकेले अकेले हम जाएंगे, वो भी अकेले ही इंजॉय कर लेंगे सारा कुछ, सही है। बाकी यार यहाँ पे चेकआउट कर लो यार, ये बस किस तरह लग रहा है आप लोगों को, अब आई डोंट नो कैमरे में किस तरह आ रहा होगा लेकिन मुझे तो बहुत बॉम्ब दिख रहा है ड्यूड। अभी थोड़ा सा सिनेमेटिक वगैरह इंजॉय कर लो यार, सही है, सो लेट्स गो। Seems lost thoughts lead you astray. Then I cry, then I feel. यार अभी मेरे सर पे देख लो क्या, उफ इतना ठंड लग रहा है कि आपकी सोच है यार, कसम से सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो यार, कसम से ये चेकआउट कर लो। ओए होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह यार, जिस तरह आप लोग देखो स्टिल बर्फबारी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैं चल के आ गया हूँ, ये मेरे पाँव के निशान। ट्राई किया नीचे रख के पिक्चर वगैरह वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बैक कवर भी निकाल के आ गया था घर में ही, तो उसकी वजह से फ़ोन स्टेबल नहीं हो रहा जब ज़मीन पे रखता हूँ, तो बाकी ये चेक कर लो। मेरे हाथों को देखो यार, पूरा रट हुआ पड़े है यहाँ पे, देख सकते हो सारा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है कसम से डूड, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि आपकी सोच है। हे बॉय, अभी मैं स्टावर के पास पहुँच चुका हूँ यार, जिस तरह आप लोग देख सकते हो क्या ही बात है। वो तो गए, इससे ज्यादा किसको देखना है ये टावर, हमें तो नहीं देखना, हमें तो व्लॉग बनाना है इधर उधर का सारा जगह का, बस व्लॉग बनाना है। सो अभी हम यहाँ से भी निकलते हैं, सही है, मैं थोड़ा ही बाहर आ गया था बस, वह सामने ही घर है लेकिन थोड़ा ही मैं बाहर आ गया था,
ये चेक करने के लिए किस तरह हो रहा है स्नोफॉल, लेकिन मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है यार, कसम से। ऊपर से आप मेरे सर के ऊपर यहाँ पे बर्फ चेक कर सकते हो। मैंने बाल वगैरह बना के निकला था घर से, लेकिन बालों का सत्यानाश हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, उई 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 उई। ओ भाई साहब, हाथ चेक कर लो बस यार आप लोग। ए फोकस फोकस क्यों नहीं कर रहा ये? हाँ, ये चीज ये देख लो यार, पूरा रेड हुआ पड़ा है मेरे दोनों हाथ। एक से कैमरा पकड़ो और दूसरे से ये हाथ भी इस तरह का। बाकी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे तो लिटरली आई एम गेटिंग मैड मैन। यहाँ से ऊपर से तो हटाना पड़ेगा हमें, लेकिन किस कॉटन है, मुझे तो नहीं हटाना क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। सो वही ओके तो मुझे नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन जो भी करेंगे मजे करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग जिस तरह देख सकते हो मैं अकेला हूँ, तो मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई करते हैं यार, आ जाओ। Then I cry, then I feel pain. Why do I suffer so much? I would love to feel your touch. गाइस तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि यार मैं हम लोग प्लान कर रहे थे कि बाहर जाया जाए और पिक्चर वगैरह लिया जाए, लेकिन ये स्नोफॉल लेके रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इस अभी इस मौसम में बंदा क्या पिक्चर निकाले, सही है। तो अभी इस तरह करते, आज रहने देते हैं पिक्चर वगैरह, कल जाते। ओके गाइस तो फाइनली मैं घर में वापस आ गया हूँ यार। जिस तरह आप लोग देख सकते हो स्टिल बर्फबारी हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ कसम से यार पूरे जम गए, ठीक से काम ही नहीं कर रहे। बड़े मुश्किल से मैंने फ़ोन को पकड़ लिया है। लाइक अभी जिस तरह आप लोगों ने देखा थोड़ा छोटा सा ब्लॉग है, इसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बाकी फ़ोटोशॉट वगैरह कर लेंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि यार मेरे साथ जो दोस्त है उसका थोड़ा काम है, सही है। मैंने उसको मैसेज किया था तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।